नमस्कार मित्रों एवं विद्यार्थियों, आज की इस लेक्चर के अंदर हम एनसीईआरटी कक्षा 12 इतिहास भाग 1 के अध्याय संख्या 4 के दूसरे पार्ट को अंदर देखेंगे। इस दूसरे पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि लौकिक सुखों से आगे, जिसमें महावीर का हम संदेश देखेंगे, यानी महावीर किस तरीके का संदेश देते थे, कैसी वो शिक्षाएँ दिया करते थे, अहिंसा के प्रति उनका क्या सिद्धांत हुआ करता था, या अन्य जो भी जैन धर्म के जैसे नियम होते थे, भिक्षु भिक्षुणियों के क्या नियम होते थे, या जैन साधु साधुओं के क्या नियम होते थे। इसके अलावा हम कुछ, हालांकि किताब में नहीं दिया हुआ है, फिर भी महावीर स्वामी के जीवन आदि का परिचय देंगे और उनके समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं और उसके जैन धर्म के त्रिरत्न आदि और उसके विश्वास आदि क्या है, जैन धर्म का जो मत क्या है, उसको हम समझने का इसमें प्रयास करेंगे। इसके बाद में हम इसमें देखेंगे किस तरीके से जैन धर्म में उस जैन धर्म का विस्तार होता है। फिर हम देखेंगे गौतम बुद्ध और गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान की खोज, यानी किस तरीके से उनके पिता द्वारा उनको सांसारिक जीवन में ही रत रखने का प्रयास किया जाता है, लेकिन फिर भी वो गृह त्याग करके चले जाते हैं और अपनी जो तपस्या द्वारा क्या करते हैं, वो केवल ये ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। और इसी बारे में हम पूरा डिटेल से आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा कुछ हम स्रोत देखेंगे, जैसे स्रोत संख्या 4 है, महल के बाहर की दुनिया, यानी जिसमें एक जो महारानी होती है वो राजा को किस तरीके से इस संसार से विरक्ति के बारे में समझाने का प्रयास करती है और वो जैन संघ में जाने के लिए प्रेरित करती है। तो उस मनोवृत्ति को और उस समय की लोगों की विचारों को हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से इस नश्वर संचार के प्रति उनके कैसे विचार थे। इसके अलावा हम फिर देखेंगे स्रोत संख्या 5 के अंदर जो व्यवहार में बौद्ध धर्म कैसा था, यानी ब्राह्मणों श्रमणों के प्रति क्या नियम वगैरह हुआ करते थे, ग्रस्तों राजाओं उनके लिए महात्मा बुद्ध उनको क्या समझाया करते थे, कैसी शिक्षाएं दिया करते थे, जिससे राजा लोग या गृहपति अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी नौकर या जो भी दास वगैरह होते थे उनके प्रति वो कैसा व्यवहार करते थे, इससे संबंधित गौतम बुद्ध ने क्या उपदेश दिए, गौतम बुद्ध ने इन राजाओं और गृहपतियों को ब्राह्मणों और शरणों के प्रति कैसा व्यवहार करने की शिक्षाएं दी, इन सारी की सारी जो बुद्ध की शिक्षाएं, उन शिक्षाओं को भी हम यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे और डिटेल से बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं को समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे बुद्ध के अनुयायी। तो बुद्ध के अनुयायी कौन थे, क्या केवल पुरुष ही उसमें भाग ले बन सकते थे अनुयायी, या महिलाएं भी शामिल हो सकती थी, और कौन कौन से वर्ग के लोग उसमें शामिल हो सकते थे, बौद्ध संघ के अंदर बुद्ध के अनुयायी बन सकते थे, क्या उनके लिए कोई योग्यताएं भी थी, कोई उन पर प्रतिबंध भी थे, इन सभी को देखने का प्रयास करेंगे। और स्रोत संख्या 6 में थेरी गाथा में देखेंगे, जिसमें एक पानी लेने जाती हुई दासी, एक महिला है दासी जो पानी लेने के लिए जाती हुई, वो एक नदी के अंदर स्नान करते हुए ब्राह्मण को किस तरीके से अपने जो सामाजिक और आध्यात्मिक नज़रिया है उस नज़रिए से उसको शिक्षा देने का प्रयास करती, उसको शिक्षा देती यानी समझाने का प्रयास करती, क्या ये बुद्ध का ही इतना सारा लोगों के अंदर प्रभाव था। तो वो उस जो ब्राह्मण है उसकी जो साधना करने की परंपरा या वो जैसे वो अपने को मुक्त होने की परंपरा मानता उस पर किस तरीके से वो कटाक्ष करती है। इसके अलावा हम आगे इसमें देखेंगे कि भिक्षुओं और भिक्षुनियों के लिए क्या नियम थे, यानी बौद्ध संघ के अंदर जो भी भिक्षु और भिक्षुनी आती थी उनके लिए क्या नियम थे, संघ में शामिल होने के लिए किन किन नियमों का उन्हें क्या करना पड़ता था, पालन करना पड़ता था, और किन नियमों का से उन्हें दूर रहना पड़ता था, और अगर वो कोई भी नियम का उल्लंघन कर देते थे तो फिर क्या होता था, इन सभी बातों को आज के इस चैप्टर के अंदर समझने का प्रयास करेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का इस स्टडी 58 परिवार में स्वागत है। आज के इस वीडियो के साथ मैं अशोक कुमार। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और ध्यान रखें सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन होता है और ये जो वीडियो है अधिकतर लोगों तक पहुँचता है, ताकि वो भी इसके बारे में जागृत हो सकें। अगर पूर्व के पार्ट आपने नहीं देखे तो वो भी जल्द से प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दिया गया है। तो अब हम इसको करते हैं प्रारंभ। यहाँ पर जैसे ही आप सामने एक मूर्ति देख रहे हैं, ये मथुरा से प्राप्त तीर्थंकर की एक मूर्ति लगभग 3री शताब्दी ईस्वी की है। तो
तो तीर्थंकर का तो हम अर्थ यहाँ पहले ही जान लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि महावीर के कुछ जीवन के बारे में, जो उसका जीवन परिचय के बारे में बताना चाहूँगा। तो यहाँ तीर्थंकर का इन्होंने अर्थ बताया, यानी कि वे महापुरुष जो पुरुष और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुँचाते उन्हें तीर्थंकर कहा जाता। तीर्थ का मतलब ही होता है पार करना। तो जो नदी रूपी इस संसार को माना गया, इस जीवन को, और इस जीवन रूपी यानी जो भौतिक संसार, इस सांसारिक जीवन है, इससे पार करके जो भी इसमें जैन धर्म के अंदर जो भी निर्वाण वगैरह या मोक्ष वगैरह प्राप्ति का जो लक्ष्य, उस लक्ष्य तक क्या करें, पहुंचाएं। हालांकि आपकी बुक के अंदर सिर्फ शिक्षाओं के बारे में बात की गई है, तो थोड़ा जो कंपिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी, थोड़ा नॉलेज के लिए और आपके लिए भी नॉलेज के लिए थोड़ा हम डिस्कस कर देते हैं। तो यहाँ पर कि जैसा आप देख सकते हैं जैन धर्म के बारे में, तो जैन धर्म के अंदर जो अभी हमने तीर्थंकर के बारे में देखा, तो ये कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें पहले ऋषभदेव या आदिनाथ थे, जिनका ऋग्वेद में भी वर्णन मिलता, दूसरे अजितनाथ है, फिर सामनाथ या संभवनाथ। तो इस तरीके से ये 24 तीर्थंकर है, जिसमें से 22वें तीर्थंकर जो अरिष्टनेमी है, जिनका कहा जाता है कि जो भगवान श्री कृष्ण थे उनके संबंधी हुआ करते थे। इधर मलिनाथ का भी कुछ विशेष रूप से वर्णन आता है, फिर नेमिनाथ थे, फिर 23वें पार्श्वनाथ थे, जिनके अनुयायी क्या कहलाते थे, निर्ग्रंथ कहलाते थे। मतलब जैन धर्म का जो प्रारंभ है वो काफ़ी प्राचीन माना जाता है। वैसे जो महावीर स्वामी के जो अनुयायी थे वो जैन कहलाए, क्योंकि महावीर स्वामी ने तपस्या करके उन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, इसलिए वो जिन कहलाए और उस सबसे ये जैन शब्द निकला। इससे पहले पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाते थे, निर्ग्रंथ कहलाते थे। मतलब जैन धर्म काफ़ी प्राचीन तो था, लेकिन वो वास्तविक रूप से जैसा व्यवहारिक रूप से संगठन इसको प्रदान किया था महावीर स्वामी ने, वैसा उस समय नहीं था। तो जो महावीर स्वामी वो जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर, ये बाद में देखेंगे। पहले इनका थोड़ा जीवन परिचय आदि हम देख लेते हैं, उसके बाद में इसके ऊपर आपको फिर ले चलूँगा। तो महावीर स्वामी के बारे में देखिए, सबसे पहले उनका देख लेते हैं जन्म। तो जो महावीर स्वामी है उसका जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली, जो वर्तमान बिहार राज्य, उस वैशाली के निकट, यहाँ कुल ग्राम नहीं, ये गलत प्रिंट हो गया है, ये है आपके कुंड ग्राम के ये जातक कुल है, ये जातक नहीं है, यहाँ पर भी त्र है, जातक, ये जल्दी में टाइप किया था इसलिए मिस्टेक हो गया। तो जातक जो कुल है, उस जातक कुल के अंदर जन्म होता है, जो उस समय का, जो आप जैसे हमने पहले वाले पार्ट के अंदर जो महाजनपद वाला उसमें बताया था कि कुछ तो उसमें राजतंत्रात्मक जो महाजनपद थे और कुछ कैसे थे, जो गणतंत्रात्मक महाजनपद थे। तो गणतंत्रात्मक जो महाजनपद थे उसके अंतर्गत एक गणतंत्र था जो वजी संघ था। तो वजी संघ के अंदर ही ये जो जातक कुल है, ये जातक कुल शामिल था। दो वैसे थे, कुल 10 गणराज्य थे, एक तो वजी संघ में 8 गणराज्य थे, दूसरा मल्लो के अंदर कितने थे, 2 गणराज्य थे। तो ये जो जातक कुल है ये आपके वजी संघ के अंतर्गत क्या था, सम्मिलित था, तो जातक कुल के। अब इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ, जो कि जातक कुल के क्या थे, प्रधान थे, उस समय जातक कुल के प्रधान थे। अब यहाँ ध्यान देना, महावीर स्वामी का जो जन्म की कहीं डेट अलग से भी मिलती है, कुछ बुक्स में 540 ईसा पूर्व मिलता है, और वैसे अधिकतर इसी को 599 ईसा पूर्व को ही सही मानते हैं। अब इनकी माता का नाम क्या था, त्रिशला, ये यहाँ पर रहा, माता का नाम क्या था, त्रिशला, जो कि किसकी बहन थी, लिच्छवी राजकुमारी, तो जो लिच्छवी शासक था चेटक, उसकी बहन मानी जाती है, ये जो लिच्छवी राजकुमारी थी त्रिशला। महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा, क्या नाम था, यशोदा। अब देखो इन दोनों के, महावीर और इस यशोदा के संयोग से एक संतान इनके हुई थी, वो पुत्री हुई थी, जिसका नाम था प्रियदर्शना। यहाँ आप ध्यान रखना कि महावीर स्वामी का नाम ये बाद में दिया गया, उनका तप वगैरह दिखाने के कारण, उन तप में उन्होंने जो पराक्रम दिखाया था उसी कारण इनको महावीर कहा गया, जबकि इनका वास्तव में बचपन में नाम क्या था, वर्धमान था। जबकि बौद्ध साहित्य में हम देखते हैं तो बौद्ध साहित्य में इनको क्या कहा गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, निगंड, क्या कहा, निगंठ नाथपुत के नाम से इनको जाना जाता है। अब महावीर स्वामी की जो बेटी थी प्रियदर्शना, उसका विवाह हुआ था जमाली के साथ में, जो आगे आएगा हम देखेंगे किसके साथ में हुआ था, जमाली के साथ में, जो महावीर स्वामी का पहला शिष्य भी बना था। उससे पहले की कुछ और घटनाएं देख लेते हैं।
जैसे महावीर स्वामी का गृह त्याग, तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदी वर्मन से अनुमति लेकर के, यानी ये अनुमति लेकर के इन्होंने क्या कर दिया था, घर वगैरह छोड़ दिया था और घर वगैरह छोड़ करके अपने तपस्या के लिए चले गए थे। तो यहाँ पर 30 वर्ष की उम्र में जब ये तपस्या के लिए चले, काफ़ी समय तक इन्होंने क्या किया था, तपस्या की थी, मतलब काफ़ी समय का मतलब 12 वर्ष तक इन्होंने कठोर तप साधना में लगे रहे, यानी 30 वर्ष की उम्र में घर त्यागा था और 12 वर्ष जोड़ लीजिए, 42 वर्ष की आयु के अंदर महावीर को क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पर हुई, जुम्बिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे, और कब हुई थी, वैशाख शुक्ल त्रयोदशी को हुई थी। तो वृक्ष का नाम और इस नदी का नाम आप महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना, क्योंकि कंपिटिशन एग्जाम में इनको कई बार पूछा जाता है। और यहाँ पर जो महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ उसे केवलीय ज्ञान कहा जाता है, और इसी कारण महावीर स्वामी को केवलीन जिन यानी विजेता, अहर यानी योग्य और निर्गंत यानी बंधन रहित कहा गया। अब देखते हैं इनका उपदेश। तो जो इनको ने पहला, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, राजगृह के निकट विपुलाचल पहाड़ी, उस विपुलाचल पहाड़ी पर अपना पहला उपदेश दिया था। इनके प्रथम शिष्य जामाली जो इसके क्या थे, दामाद भी थे और भांजे भी थे, यानी इनकी एक बहन थी जिसका नाम था सुदर्शना, महावीर स्वामी की बहन थी सुदर्शना, उसका ये पुत्र था जामाली। और फिर महावीर स्वामी ने जो अपनी बेटी थी प्रियदर्शना, उसका विवाह भी जामाली के साथ में कर दिया था। जैसा कि पूर्व वाले अध्याय के अंदर हमने देखा था वर्ण व्यवस्था वाले में, तो ऐसे के विवाह होता था आपस में, जो रक्त संबंधियों के अंदर ही क्या हो जाया करते थे, विवाह समग्र हो जाते थे, विशेषकर मुस्लिम धर्म के अंदर हम देखते हैं। लेकिन देखो, मुस्लिम धर्म की बात नहीं है, कोई भी धर्म था जो शुरुआती चरण में हुआ करता था तो निकट संबंधियों के अंदर ही वैवाहिक संबंध हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे उस धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती चली गई, फिर ये गोत्र वगैरह बनाने लगे और एक गोत्र को छोड़ करके दूसरे गोत्र में विवाह किया जाता था, जैसे वर्तमान समय में आप देखने को मिलता। तो ये तो बाद में चलकर विकसित हुआ। अब देखते हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो गौतम जो सॉरी अपने महावीर स्वामी की जो मृत्यु है 527 ईसा पूर्व में पावापुरी में होगी, जो मल्लों का राज्य था, मल्ल गणराज्य के अंदर जो मल्लों की राजधानी थी पावापुरी, वहां पर इनकी क्या हो गई, महावीर स्वामी की मृत्यु। कितने वर्ष की उम्र में हो गई थी मृत्यु, 72 वर्ष की उम्र में इनकी क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी। अब हम देखते हैं कि जैन धर्म विश्वास किस में करता है। तो जैन धर्म पुनर्वाद में, पुनर्जन्म में यानी फिर से जन्म होता है, इसमें विश्वास करता था, और कर्मवाद में विश्वास करता, मतलब जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार ही क्या होता था, जो अगला जन्म प्राप्त होता था। अब अविश्वास किस में करते हैं, ये सृष्टि के कर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं करते, यानी अनिश्वरवादी हैं। अगला हम देखेंगे इसमें, जैसे आगे हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तब भी उसमें आएगा कि भिक्षुओं के लिए पंच महावर्त कौन कौन से, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, तो इनका हम अर्थ उसमें आगे देख लेंगे। अब देखते हैं ग्रस्तों के लिए अणुवर्त। अब भिक्षुओं के लिए इनको महावर्त, मतलब थोड़ा इनमें शक्ति थी, जबकि ग्रस्तों के लिए थोड़ी इसमें ढील दी गई थी, तो इसी कारण इसे पंच अणुवर्त कहा गया, अहिंसा अणुवर्त, यानी वही जो हिंसा नहीं करना किसी के प्रति, सत्य बोलना, अस्त्य मतलब चोरी वगैरह नहीं करना, ब्रह्मचर्य यानी जो भोग विलास उससे दूर रहना, और जो अपरिग्रह यानी आवश्यकता से ज़्यादा क्या करना, संग्रह नहीं करना। और जैन धर्म में 5 प्रकार का ज्ञान है, जो मति जो इंद्रिय जनित ज्ञान, श्रुति श्रवण ज्ञान, अवधि जो दिव्य ज्ञान है, और मन पर्याय ये अन्य व्यक्तियों के मस्तिष्क का ज्ञान माना जाता है, जबकि 5वां ज्ञान जो ये सर्वोच्च मानते हैं वो ज्ञान है केवल्य ज्ञान, जिसे पूर्ण ज्ञान कहा जाता, निर्ग्रंथ एवं जितेंद्रियों को प्राप्त होने वाला ज्ञान था जिसे केवल्य कहा गया था। अब जैन धर्म के ज्ञान के कुछ स्रोत माने गए, जो 3 प्रकार के, प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों के वसन, प्रत्यक्ष तो खुद कर लें, और दूसरा अनुमान के आधार पर लगाकर ज्ञान प्राप्त कर लें, और तीसरा जो तीर्थंकर है जैन धर्म के उनके वचन है वो भी उनके ज्ञान के स्रोत के रूप में आते हैं। फिर यहाँ पर हम देख लेते हैं जैन धर्म के ये कुछ द्रव्य और त्रिरत्न। तो जैन धर्म के अनुसार कहा गया कि संसार के कुल कितने, 6 द्रव्य, जिसमें जीव, पुगदल यानी भौतिक द्रव्य, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन सबसे ये भौतिक संसार बना हुआ है। जैन धर्म के 3 रत्न माने गए, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो इस इतना ही देखेंगे, फिर बौद्ध धर्म वाला, जब बौद्ध धर्म वाला पॉइंट आएगा तब देखेंगे। अब फिर से हम अपनी बुक्स पर आ चुके हैं।
अब बुक्स के अंदर हम देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से शुरुआत से समझते हैं बुक्स के अंदर, वैसे काफ़ी कुछ चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। जैनों के मूल सिद्धांत 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में क्या थे, प्रचलित थे। जैसा कि मैंने बताया कि इनके कितने थे, 24 तीर्थंकर थे। प्रथम जो ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते थे, लेकिन जैन धर्म को जो व्यवहारिक रूप है वो किसने दिया था, महावीर स्वामी ने। जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी से पहले 23 शिक्षक यानी जो इनके तीर्थंकर कहते वो हो चुके थे। तीर्थंकर यानी वे महापुरुष जो पुरुष और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है कि संपूर्ण विश्व प्राण माने, यानी संपूर्ण जो संसार है उसमें जीवन है, ये सजीव असजीव को अलग नहीं करते, ये सब में जीवन मानते, चाहे वो सजीव हो चाहे या निर्जीव हो, सबके अंदर क्या मानते, ये जीवन मानते। माना जाता है कि ये पत्थर जैसे निर्जीव चीजें, पत्थर है, चट्टान है, और जल तो वैसे सजीव में आता है, लेकिन ये कहते हैं कि उनमें भी क्या होता है, जीवन पाया जाता है। जीवों के प्रति ये अहिंसा की नीति करते, यानी जीवों को किसी प्रकार का ये कष्ट नहीं पहुंचाते। खासकर ये इंसानों को, जानवरों को, पेड़ पौधों को और कीड़े मकोड़ों को भी नहीं मारना, ये जैन दर्शन का क्या है, मुख्य केंद्र। आप ऐसा देखते हो ना, जैसे अभी वर्तमान के अंदर बारिश का मौसम है, तो जैन लोग क्या करते हैं, अभी शाम के समय लेट खाना नहीं खाते, जो सूर्य अस्त होता उससे पहले ही अपना भोजन वगैरह ग्रहण कर लिया करते हैं। अब जैन जो श्रवण लोग हैं वो हर एक नहीं करता होगा, लेकिन जो भिक्षु लोग हैं वो ऐसा ही किया करते हैं, क्योंकि जब संध्या का जब समय हो जाता तो उस समय जो कीट पतंगे वगैरह विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का आवागमन होता है। इसके अलावा जब लाइट वगैरह जलाते हैं, उस समय खाना बनाते हैं तो अग्नि वगैरह जलाते हैं, तो उसमें काफ़ी सारे जीव जंतु आकर गिरते हैं और वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और कई सारे जीव जंतु हैं जो पैरों तले कुचल कर भी मारे जाते हैं। इसके अलावा आप देखते हो कई सारे जैन लोग हैं जो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के जैसे जानवरों के लिए, चाहे वो गाय हो चाहे बकरे हो, उनको जैसे ऐसे जानवर थे जिनको लोग कटने के लिए भेजते हैं, उनके लिए कुछ संरक्षण का कार्य करते हैं। तो ये जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत है कि जीवों के प्रति अहिंसा की नीति, दया की नीति रखना है। आगे हम देखेंगे वस्तुतः जैन अहिंसा के सिद्धांत किस ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया, जैसे महात्मा गांधी जैसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने क्या किया था, इस अहिंसा के सिद्धांत का पालन किया था। और विश्व स्तर पर हम देखते हैं तो नेल्सन मंडेला जैसे लोगों ने भी इस अहिंसा के सिद्धांत पर चले हैं, यानी जो मारकाट पर आधारित जो व्यवस्था थी उसमें एक नया रास्ता दिखाने का कार्य जैन धर्म ने किया था। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का, पुनर्जन्म में फिर से यह अगला जो जन्म होगा का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है, मतलब जैसा कर्म होगा वैसा ही क्या मिलेगा, फल मिलेगा आपको, यानी वैसा ही आपको अगला जन्म मिलेगा। अच्छा कर्म किया तो अच्छा जन्म मिलेगा, बुरा कर्म किया तो बुरा जन्म मिलेगा। मतलब ये एक तरीके का कि जैसा, जब हम कहते हैं ना जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे, तो वैसे ही यहाँ पर होता, जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपका अगला जन्म आपको प्राप्त होगा। और कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए ये क्या मानते, त्याग और कठोर तपस्या की ये जरूरत होती है, ऐसा मानते। मतलब ये जो क्लेश वाला जीवन, काया क्लेश और तपचर्या वाला जीवन है, उसको ये जैन धर्म के लोग ज्यादा मानते, जिस पर महावीर स्वामी ने ज्यादा ध्यान दिया था। क्योंकि महावीर स्वामी ने क्या किया था, जब ये तपस्या के लिए गए थे तो जाते ही इन्होंने क्या कर लिया, पहले सर के बाल कटवा दिए, साधुओं के वस्त्र पहन लिए और लगभग 12-13 वर्ष तक ऐसे करते रहे। फिर उन्होंने वस्त्रों को भी त्याग दिया और नदी के अंदर वस्त्रों को बहा दिया, और फिर मतलब बिना निर्वस्त्र होकर के इन्होंने अपनी जो साधनाएं की, इसी कारण बाद में जाकर के जैन संप्रदाय दो मतों में भी बढ़ जाता है, एक दिगंबर कहलाता है और दूसरा मत श्वेतांबर के नाम से जाना जाता है, जो कि पहली जैन संगीति होती है। उस जैन संगीति के अंदर इस जैन धर्म का क्या हो जाता है, दो भागों में विभाजन हो जाता है। ये संसार के लिए त्याग से ही संभव है, वो कहते हैं कि संसार का त्याग, मतलब संसार को छोड़ दो, जो सांसारिक जीवन को छोड़कर जो श्रवण वाला जीवन है, जो श्रवण जीवन है यानी भिक्षु वाला जीवन है, वो जीवन व्यतीत करो। इसलिए मुक्ति के लिए वीआर जो जैन और बौद्ध धर्म के जो साधु और साध्वी, जिसे ये श्रवण के नाम से जानते हैं, वो निवास करते थे, उनके निवास स्थानों को विहारों के नाम से जाना जाता है। तो विहारों के निवास का एक अनिवार्य नियम बना दिया ताकि किसी प्रकार की समस्याएं नहीं हो, सांसारिक समस्याओं से मुक्त होकर के वहां पर वो रह करके विहारों में अपना जो है तपस्या का जीवन या काया क्लेश का जीवन व्यतीत कर सके। जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 5 व्रत किया करते थे। उन 5 व्रतों के यहाँ पर अर्थ दिए गए,
वहाँ जो मैंने 5 व्रत बताए थे उसके अर्थ दिए गए। जैसे अहिंसा का व्रत था तो उसका क्या था, हिंसा सॉरी अपने हत्या नहीं करना, यानी किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना। और इसके अलावा जो सत्य था, या मतलब उलट सुलट सत्य का यहाँ पर दिया गया, झूठ न बोलना। फिर था अस्ते, अस्ते का मतलब है चोरी नहीं करना। मैंने जो आपको बताया था वो कर्म वाइज, यहाँ पर कर्म वाइज नहीं दिया गया है। इसके अलावा जो ब्रह्मचर्य था, तो ये ब्रह्मचर्य का आपका क्या, अमृत ब्रह्मचर्य का मतलब है जो आपके जो स्त्री पुरुष की जो रिलेशनशिप है वो आपको नहीं रखनी है। इसके अलावा जो अपरिग्रह, उसका मतलब है जो धन संग्रह नहीं करना। इसकी जानकारी आपको महल से बाहर की दुनिया इसमें आपको मिल जाएगी, किस तरीके से ब्रह्मचर्य के प्रति और आध्यात्मिक नज़रिए के प्रति लोगों का क्या नज़रिया था। तो इसके लिए हम देख लेते हैं स्रोत संख्या 4 को, जिसके अंतर्गत है महल के बाहर की दुनिया। तो महल के बाहर की दुनिया किस टाइप की थी, जैसे बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों ने संकलित किया वैसे ही महावीर के शिष्यों ने भी किया था। यानी महावीर ने और बुद्ध ने अपने जो उपदेश वगैरह है या उनकी जो शिक्षाएं वगैरह हैं उनको संकलित करने का कार्य नहीं किया था। अक्सर ये उपदेश कहानियों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं जो आम लोगों को क्या करते थे, इस जैन धर्म या बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित करते थे। ये उदाहरण उत्तरायण सूत्र जो एक जैन ग्रंथ है उससे लिया गया है। इसमें कमलावती नाम की एक महारानी है जो राजा की पत्नी है, उसने अपने पति यानी राजा को संन्यास लेने के लिए समझा रही है। तो आप इनका मंतव्य समझे कि आखिर उस लोगों का जो सांसारिक जीवन के प्रति क्या विचार था। उसने कहा, अगर संपूर्ण विश्व और वहां के सभी खजाने तुम्हारे हो जाए, राजा को समझा रही है कि मान लो आप चक्रवर्ती सम्राट भी बन जाए तब भी तुम्हें संतोष नहीं होगा, फिर भी और ज्यादा प्राप्ति का प्रयास करोगे, फिर इस धरती वाला सारा मिल जाएगा, स्वर्ग तक का कार्य प्रारंभ कर दोगे, नहीं ये सारा कुछ तुम्हें बचा पाएगा, यानी जो आपकी मृत्यु तो होगी। क्या कहा आगे, ये आपको बचा नहीं पाएगा, हे राजन जब तुम्हारी मृत्यु होगी तब ये सारा धन पीछे छूट जाएगा, यहीं रह जाएगा ये धन, आप इसमें से कुछ भी नहीं आता। जैसा कि हम जानते हैं, हम कहते हैं ना कि जब जन्म होता है तब तो मुट्ठी बंद होती है और जब व्यक्ति मरता है ना तब उसकी मुट्ठी भी खुली रहती है। बंद मुट्ठी मतलब जब जन्म होता है तो पिछले जन्म के वो जो कर्म होते हैं वो कर्म लेकर जन्मता है, लेकिन जब यहाँ से जाता है तो खाली हाथ जाता, उसके साथ में कुछ भी नहीं रहता है। तो वैसे ही यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है कि जो युद्ध वगैरह कर रहे हो आप, जितना अपना राज्य बढ़ा रहे हो, जितना धन का आप संग्रह कर रहे हो, वो सारा धन यहीं रह जाएगा, आपके साथ में नहीं चलेगा। जब सारा धन पीछे छूट जाएगा तब सिर्फ वो कह रही कि धर्म ही आपके साथ चलेगा और कुछ नहीं, वही तुम्हारी क्या करेगा, रक्षा करेगा। रक्षा करने मतलब आगे हम जैसे सभी धर्मों में ये मानना है कि स्वर्ग और नरक, अच्छे कर्म करने वाला स्वर्ग को प्राप्त होता है, बुरे कर्म करने वाला नरक को प्राप्त होता है। तो वैसे ही इनको मानना था कि आपके साथ में जो धर्म चलेगा और उसके आधार पर ही आपको क्या मिलेगा, आपका जो पुनर्जन्म होगा। जैसे एक चिड़िया पिंजरे से नफरत करती है, क्यों, क्योंकि वो आज़ाद रहना चाहती है, वो पिंजरे के अंदर रह करके अच्छी सांसारिक वस्तुओं का भोग नहीं करना चाहती, वो खुले आसमान में उड़ना चाहती है। वैसे ही वो कहती है रानी कि मैं इस संसार से नफरत करती हूँ, ये संसार ही मुझे पिंजरा दिखाई देता है, मैं बाल बच्चे को जन्म न देकर निष्काम भाव से बिना लाभ की कामना से बिना द्वेष के एक साध्वी की तरह जीवन व्यतीत करूंगी। उसने कहा था जो मैं पति पत्नी वाला संबंध है वो मैं नहीं रखूंगी, नहीं मैं बच्चों को जन्म दूंगी, मुझे किसी चीज का लोभ नहीं है, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। आप महिलाओं को देखते गहनों की विशेष महिलाओं का गहनों पहनने में ये सौंदर्य प्रसाद में कितना होता है, लेकिन ये कह रही है कि मुझे किसी चीज़ का काम लाभ की कामना नहीं है, किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, मैं तो साध्वी के वस्त्र पहन करके निर्बंध होकर के जो आज़ाद पक्षी होता है उसकी जगह मैं जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। और जिन लोगों ने सुख का उपयोग करके उसे त्याग दिया, वायु की तरह भ्रमण करते हैं, वो कहते हैं जिन लोगों ने सुख का उपभोग करके त्याग दिया वो लोग वायु की तरह भ्रमण करते, जहाँ मन करे स्वतंत्र उड़ते हुए पक्षियों की तरह जाते। यहाँ आपको समझना इस बात का मीनिंग क्या है, इस बात का मीनिंग है जैसे हम सांसारिक जीवन जीते हैं तो कितनी सारी समस्याओं से ग्रस्त होते हैं, कितनी सारी जिम्मेदारियाँ होती है, हम देखते हैं कि हम चारों तरफ से अदृश्य जालों द्वारा जकड़े रहते हैं, लेकिन जब भिक्षु जीवन आ जाता है तो सारी समस्याएं छूट जाती है। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि वो फिर सारी समस्याओं से सारे बंधनों से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, और सारा जो कर्तव्यों का बोझ होता है वो बोझ क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो उसी संदर्भ में यहाँ पर कहा गया है फिर बिना किसी इच्छाओं आकांक्षाओं या दबावों से
या बंधनों से मुक्त होकर के सिर्फ और सिर्फ जो अपना जो कर्म है उस कर्म को करते हुए अपने जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है उसकी प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। जैसे आप पक्षी का उदाहरण इसलिए देखा कि पक्षी क्या होता है, जैसे किसी क्षेत्र में गया अपने खाने पीने की खोज के लिए, वहाँ खाना पीना खाया और रात हो गई तो नज़दीक का कोई वृक्ष होगा उस पर बैठ जाएगा और उस वृक्ष का उसका इतना ही लगाव है केवल रात रात उसको व्यतीत करनी है, सुबह होते ही वो वहाँ से उड़ जाएगा फिर किसी और क्षेत्र में चला जाएगा। तो इसीलिए ये स्वतंत्र पक्षी की तरह आ गया। इस संसार से हमें इतना ही लगाव होना चाहिए। हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य है हमारी मोक्ष प्राप्ति करना, जिसको कोई निर्वाण कहता है, कोई अन्य किस नाम से जानता है, कोई केवल या जिन जैसे भी प्राप्ति करना चाहता है तो वैसे ही वो कहते हैं उस वही प्राप्ति हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इस संसार में हमें जन्म मिला है जिससे हम ऐसे कर्म करें ताकि हमारा जो वास्तविक आध्यात्मिक लक्ष्य है उसको प्राप्त कर जाए। और पक्षी की तरह एक जीवन व्यतीत करना उसके लिए कह रही है कि उसके लिए एक साध्वी का मैं जीवन जीऊँगी। और राजा को भी प्रेरित करती है कि इस विशाल राज्य का परित्याग करो, इसे छोड़ दो, इंद्रिय सुखों से नाता जोड़ो। जो हमारे शरीर की इंद्रियां ही तो होती है वो क्या करती है, विभिन्न इच्छाओं की चाहत रखती है, विभिन्न सुख प्राप्त करने की लालसाएं रखती है। एक सुख की प्राप्ति हो जाती है दूसरे सुख की इच्छा जाग उठती है। तो वैसे ही वो कहती है इंद्रिय सुखों के से नाता तोड़ो, निष्काम अपरिग्रही बनो। निष्काम यानी बिना काम किसी इच्छा से, और अपरिग्रह मतलब आप समझती हो आवश्यकता से ज्यादा संग्रह नहीं करना, तो वैसे ही होता। और तत्पश्चात तेजमय होकर के घोर तपस्या करो, फिर घोर करके मतलब अपने शरीर को काया क्लेश दो कष्ट दे करके तपस्या करो, और तपस्या करके वो जिस चीज़ को हम हमारा जीवन मिला उस उद्देश्य को क्या करें हम प्राप्त करें। तो ये जो चीज़ें हैं इसको मैंने आपके इसके अंदर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। और जो बुक्स आपको मैं पढ़ा रहा हूँ वो नवीनतम बुक्स आप देख रहे हो, 2021-22 की नए सत्र की पुस्तकें, और पूर्व वाले पार्ट मैंने 2018-19 की पुस्तक से पढ़ाए थे लेकिन उसमें और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। और अब मैं आगे जो ये नई पुस्तकें आ गई है 2021-22 की, तो इससे ही अब आपको आगे अध्ययन करवाऊंगा। अब देखेंगे अगला पॉइंट है जैन धर्म का विस्तार, इस विस्तार को समझने का प्रयास करेंगे। तो धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया, अलग अलग क्षेत्रों में फैल गया। यानी जो ब्राह्मण धर्म था पहले एक ही धर्म था, उसके प्रति अगर कोई प्रतिक्रिया हुई तो वो सबसे पहले जैन धर्म ही आता है। हाँ, बौद्धों की तरह ही जैन विद्वानों ने प्राकृत संस्कृत भाषाएं तमिल जैसी अनेक भाषाओं में काफी साहित्यों का सृजन किया था। मतलब जो जैन और बौद्ध धर्म है इस मामले में बड़ा अच्छा, जैसे ब्राह्मण धर्म था तो उसमें कोई इतना साहित्य को मौखिक परंपरा चलती थी, लिखित रूप से कोई साक्ष्य कम ही मिलते, लेकिन इन धर्मों ने अपना शुरुआत से ही इतिहास लिखने का काम किया, विभिन्न आध्यात्मिक अनुभवों को लिखने का काम किया और आस पड़ोस के अन्य सामाजिक धार्मिक आर्थिक राजनीतिक सभी मुद्दों पर इन्होंने साहित्य सृजन का कार्य किया था। सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियों को मंदिरों से जुड़े संग्रहालयों में संरक्षित यानी सुरक्षित करके इनको रखा गया था अच्छी अवस्था के। धार्मिक परंपराओं से जुड़ी सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा बनाई गई मूर्तियां भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई जाती, जैसे ऊपर आपने इस अध्याय की शुरुआत के अंदर भी देखा था। और ये एक 14वीं सदी के जैन ग्रंथ उसकी एक पांडुलिपि है, उसका एक जो पन्ना है उस पन्ने का यहाँ पर फोटो दिया गया है। अब ये तो हुआ जैन धर्म के बारे में, अब हम देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। और उससे पहले जो बौद्ध धर्म बारे में देखने से पहले मैं कुछ जैसे जैन धर्म में और महावीर स्वामी के बारे में मैंने बात की थी, वैसे यहाँ गौतम बुद्ध उसके जीवन परिचय के बारे में यह बात करना चाहूँगा। तो अब हम देख लेते हैं बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध के बारे में, उसके जीवन परिचय के बारे में, जो कंपटीशन एग्जाम और कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बड़ी बड़ी काम की चीज रहेगी, जो आपका एक्स्ट्रा नॉलेज रहेगा। और एग्जाम के अंदर कुछ आप हटकर चीजें इनके साथ में लिखोगे ना तो एग्जामिनर पर भी बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो हम देखते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म है वो 563 ईसा पूर्व के अंदर नेपाल की तराई में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में साल के वृक्ष के नीचे हुआ था। अब हुआ क्या था, जैसे महिलाओं को क्या होता जब बच्चा होता तो वो क्या उसको पीहर ले जाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर ये अपने पीहर जा रही थी। कौन? जो गौतम बुद्ध है उसकी माता जो महामाया है, महामाया अपने पीहर जा रही थी, लेकिन जब ये लुम्बिनी के अंदर जंगलों के अंदर पहुँचे तभी इसको पर्वत पीड़ा प्रारंभ हो गई और वहीं पर जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म एक साल के वृक्ष के नीचे हो गया था। लेकिन इनके जन्म के कुछ ही समय बाद
इनकी माता की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यानी जो महात्मा बुद्ध है उनको अपनी माता का क्या होता है, ज़्यादा समय तक सुख प्राप्त नहीं होता है। अब देखते हैं इनके पिता का नाम। तो पिता कौन था, इनके पिता का नाम सुदोधन था जो शाक्य कुल के मुखिया थे। ये भी वजी संघ के अंदर ही शामिल था, एक शाक्य वजी संघ का ही प्रमुख कुल हुआ करता था। इनकी माता का नाम महामाया देवी थी जिसके बारे में मैंने अभी बताया, और वी माता यानी ये सुदोधन की दूसरी पत्नी थी और महामाया देवी की ये बहन थी जिसका नाम है प्रजापति गौतमी, जो गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण है इसी प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया था, क्योंकि महामाया की तो मृत्यु होगी उसके बाद पालन पोषण करने का काम इन्होंने किया था। अब गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ, ये ध्यान रखना। और उधर हमने देखा था महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी के पिताजी थे, उन पिताजी का नाम क्या था हमने वहाँ पर देखा था, और आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइए कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था। अब इनके अन्य नाम, तो क्या नाम था, अन्य नाम था सिद्धार्थ गौतम। ऐसा क्यों कहा जाता था, क्योंकि जो शाक्य कुल थे, शाक्य कुल के जो लोग थे उनका गोत्र गौतम था। जैसे हमने पहले वाले पार्ट के अंदर वर्ण व्यवस्था वाले तीसरे चैप्टर में देखा था कि कोई न कोई एक ऋषि था, ऋषि से किसी वर्ण या गोत्र की उत्पत्ति होती है, तो वैसे ही इनका गोत्र किस गौतम ऋषि से चल रहा था, तो इसी कारण इनको सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाना गया था। अब इनका विवाह देखते हैं, तो गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक एक सुंदर कन्या के साथ कर दिया गया। क्यों, क्योंकि इनके जन्म के समय कई सारे जो विद्वान लोग थे उस समय के, उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि या तो ये बच्चा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक कह सकते हैं चक्रवर्ती साधु बनेगा, यानी एक बड़ा अच्छा फेमस तपस्वी बनेगा यानी सन्यासी बनेगा। तो इस कारण उनके पिताजी सुदोधन ने इसे सांसारिक सुविधाओं में कोई कमी नहीं आने दी। लेकिन गौतम बुद्ध तो क्या थे, शुरुआत से सिद्धार्थ क्या थे, चिंतनशील थे। इसी चिंतनशील प्रवृत्ति को देखते हुए उन्होंने जल्दी से इनका विवाह यशोधरा के साथ में करवा दिया था, जिसको हम बौद्ध ग्रंथों में अलग अलग नामों से जानते हैं। कहीं विश्वा नाम मिलता है, कहीं गोपा मिलता है, कहीं भरतकच नाम मिलता है, वो इसी के ही अन्य नाम है। अब इन दोनों यशोधरा और सिद्धार्थ की संतान एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था राहुल, जो इनके विवाह के 12 वर्ष बाद इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अब यहाँ पर ध्यान देना, गौतम बुद्ध के तो पुत्र था और महावीर स्वामी के क्या थी, पुत्री थी। अब देखते हैं इन्हें ग्रह त्याग की घटना, वैसे इस बारे में मैं सारे डिटेल करूँगा, आगे भी आएगी, लेकिन यहाँ पर आपको उसके लिए समझना जरूरी है। अब इनके पिता सुदोधन ने इनको सांसारिक जीवन में बनाए रखने के लिए सारी सांसारिक सुविधाएं दी, इनकी यहाँ तक कि इनको महल के अंदर कैद भी करके रख दिया था, यानी महल से बाहर जाने इनको कम ही दिया जाता था। लेकिन होता क्या, वो सांसारिक समस्याओं से हमेशा चिंतनशील थे, तो सांसारिक समस्याओं पर विचार करते ही रहते थे। एक बार जब ऐसे वो घूमने जाते हैं अपने सारथी के साथ में, जब जाते हैं नगर भ्रमण के लिए, तो कहते हैं कि जाते ही उनको एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया जो झुकी कमर और लाठी के सहारे जा रहा था। तो उन्होंने सारथी से पूछा ये कौन था, राजा के कहने के बावजूद वो सारथी ने कहा कि हालांकि मुझे तो राजा ने कहने के लिए मना किया, फिर भी बताता हूँ कि ये वृद्ध व्यक्ति है। तो ये कैसे होता है कि ये तो सभी वृद्ध होते हैं, अवस्थाएं आती है, बालक होता, फिर बड़ा होता, जवान होता, और फिर अंतिम अवस्था वृद्ध अवस्था आती है। तो इनके मन में टेंशन हो गया, ऐसे बूढ़े भी होंगे, ये अवस्था भी आएगी कि मेरी भी आएगी, तो ये सभी की आएगी। फिर आगे जाते तो एक कुष्ठ रोगी मिलता है, यानी बीमार व्यक्ति मिलता है जो बड़ी भयंकर पीड़ाओं से व्यक्ति थे। तो सारथी से फिर पूछा भाई ये कौन है, तो उसने बताया ये एक बीमार व्यक्ति है। तो व्यक्ति बीमार भी पड़ते हैं कि हाँ बीमार भी पड़ सकते हैं, शरीर के अंदर किसी व्यक्ति का कभी भरोसा नहीं कौन सी बीमारी से ग्रस्त हो ले। तो यहाँ से फिर से उनके मन को खटका आ गया, वर्तमान कोरोना जैसी परिस्थितियों के कारण आपको भी इस सांसारिक जीवन के बारे में एक तरीके से विचार करना चाहिए। फिर आगे चले तो फिर तीसरा दृश्य ये क्या देखते हैं, एक किसी व्यक्ति को जो लाश होती उस लाश को लोग लेकर जा रहे होते हैं और राम नाम सत्य का गीत गा रहे होते हैं। तो वहाँ पर उसको देख करके फिर सारथी से पूछा कि ये क्या, तो ये क्या एक मृत व्यक्ति है, तो क्या मृत्यु भी होती है। तो सारथी ने कहा था ये तो शाश्वत सत्य है, जो व्यक्ति जन्म लेता वो मृत्यु। अब पूरा दिमाग के अंदर इनके टेंशन घुस गया कि फिर इस संसार का क्या जीवन है। और आगे जाते चौथा दृश्य क्या देखते, एक प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी को देखते हैं, उनसे पूछते हैं सारथी से फिर कि ये कौन है,
कि ये सन्यासी इन्होंने घर बार छोड़ रखा है, इसी कारण ये सारी संसारिक समस्याओं से मुक्त हो चुका है, सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुका है, इसलिए ये प्रसन्न मुद्रा में अपना जीवन यापन करता है और भगवान की याद किया करता है, उन्हें प्राप्ति का प्रयत्न किया करता है। तो इस बात को लेकर के इनका जीवन सांसारिक समस्याओं से व्यतीत हो गया और अपने पुत्र के जन्म के कुछ ही समय बाद में ये रात्रि को अपनी पत्नी और पुत्र को मध्य रात्रि के समय सोते हुए छोड़ करके वहाँ से क्या हो जाते हैं, घर से निकल जाते हैं, कब 29 वर्ष की आयु में, और इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। जो इस जिस घोड़े पर ये जाते हैं उसका नाम कंथक होता है और जो सारथी इसको चला रहा होता है उसका नाम होता है चंदक। ये कभी कंपटीशन में आए तो आप ध्यान रखना। अब देखते हम इन्होंने फिर आगे क्या होता है। अब यहाँ से ये चले जाते हैं, फिर क्या करते हैं कि कैसे होता, तो के संन्यास लेने के बाद में भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, सांसारिक समस्याओं से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, तो कि इसके लिए तो गुरु बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन्होंने अपने प्रथम गुरु बनाए थे वैशाली के समीप सांख्य दर्शन के आचार्य आलार कलाम। वैशाली कहाँ पर है, वर्तमान बिहार राज्य के अंदर है। आलार कलाम को इन्होंने अपना क्या बनाया था, इन्होंने अपना पहला गुरु बनाया था। हालांकि इसके बाद भी वो फिर उरुवेला में गए, उरुवेला जो बोधगया वहाँ पर गए और वहाँ पर भी उसे कौंडिन्य आदि पांच साधक मिले और भी गुरुओं के पास गए, लेकिन फिर कौंडिन्य आदि उनसे भी संतुष्ट नहीं हुए, फिर उनके साथ में ये कुछ जंगलों के अंदर तपस्या करने के लिए क्या करते हैं, चले जाते हैं। अब इस तपस्या को हम देखेंगे जिससे ये आर्य प्रेवसना के नाम से जानते, यानी जो घर छोड़ने के बाद में ये 6 वर्ष तक बुद्ध द्वारा सत्य की खोज के लिए प्रयास किया जा रहा है। इनका शरीर सूख कर कांटा हो गया था क्योंकि भोजन वगैरह ग्रहण नहीं कर रहे थे, मृत्यु के बिल्कुल क्या हो गए थे, ये निकट पहुंच गए थे। उसी समय उस क्षेत्र से कुछ महिलाओं का एक, कुछ जो संगीत गाने वालों का एक समूह वहां से गुजरा था। अब सुबह का समय था, वो सुबह के समय अब रास्ते का समय होता है, क्या होता है कोई गीत वगैरह गाते जाते तो जो रास्ते का सफर होता है वो आसानी से कट जाया करता है, तो वो कुछ गीत गुनगुना रहे थे। जिस गीत की ध्वनि गौतम बुद्ध के कान में पड़ी, जिसमें का अर्थ क्या था कि जो वीणा का तार होता है उसे इतना ज्यादा भी मत कसो कि वो टूट जाए और इतना ज्यादा ढीला भी मत छोड़ो कि वो क्या हो जाए, उससे आवाज ही निकलने बंद हो जाए। गौतम बुद्ध को यहाँ से शिक्षा प्राप्त हुई और यही वही गौतम बुद्ध के गुरु थे वो महिलाएं गीत गाने वाले, वहीं से इन्होंने मध्यम मार्ग का क्या किया था, अनुसरण किया था। गौतम बुद्ध ने कौन से मार्ग का, मध्यम मार्ग का फिर अनुसरण किया था, न तो ज्यादा जैन धर्म यानी महावीर जैसी कठोर तपस्या करनी है और न ही अपने को भोग विलास के अंदर या सांसारिक जो सुखों की प्राप्ति में उलझा लेना है। तो मध्यम मार्ग का इन्होंने क्या किया था, अनुसरण किया और उसके बाद में उसी क्षेत्र में एक भेड़ बकरियां चराने वाली कोई महिलाएं आया करती थी, वो अपने साथ खाना लेकर आई हुई थी, तो गौतम बुद्ध ने वो उसका खाना ग्रहण किया था और इसी कारण उसके साथ में जो 5 अन्य जो ब्राह्मण साधक थे, जो कौंडिन्य आदि जो इसके साथ में तपस्या करने के लिए थे, वो बीच में इन्होंने तप खंडे के कारण इस पथ भ्रष्ट हुआ समझकर इनको छोड़ करके चले गए। लेकिन यह गौतम बुद्ध यहाँ पर अपनी क्या करते रहे, तपस्या करते रहे और कहा जाता है कि 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, जिसे पुनपुन नदी के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ रात्रि के समय उन्हें क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो वर्तमान में वो स्थल क्या कहलाया, बोध गया के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर इनका क्या हुआ, सिद्धार्थ को जिस ज्ञान की खोज में थे वही वास्तविक ज्ञान इनको प्राप्त हुआ और इसी के कारण वो तथागत हो गए और बाद में इनका ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ से इनका नाम बदलकर क्या हो गया था, गौतम बुद्ध हो गया था। अब देखते हैं धर्म चक्र परिवर्तन क्या, जो गौतम बुद्ध द्वारा पहली बार जो ज्ञान दिया गया था, जो अपने खुद को ज्ञान प्राप्ति के बाद जो पहला इनका उपदेश था, उसे धर्म चक्र परिवर्तन की घटना के नाम से जाना जाता है, जो सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था इन्होंने पहला उपदेश, जो इनके साथ पहले भक्ति करने के लिए गए हुए थे, साधना के लिए तप के लिए गए हुए थे, लेकिन उनको जब भोजन ग्रहण करने के कारण उनको पथ भ्रष्ट हुआ समझकर उनका साथ छोड़ दिया था, तो सबसे पहले इनको ही इन्होंने क्या बनाया था, अपना शिष्य बनाया था। देखो यहाँ पर कई बुक्स के अंदर बोध गया भी लिखा है कि पहला इन्होंने अपना उपदेश बोध गया में, तो उसका मीनिंग क्या है कि बुद्ध ने जो अपने सबसे पहले जो अनुयायी बनाए थे ना, वो 2 शूद्र थे जिनका नाम था तपस और कालिक, उनको बनाया था, तो इसी कारण वो बोध गया वाला पॉइंट्स मिलता है। और यहीं से फिर
सारनाथ से ही उन्होंने, जिसको ऋषिपत्नम के नाम से भी जाना जाता है, और वहीं से उन्होंने बौद्ध संघ के अंदर अपना सबसे पहले प्रवेश है वो प्रारंभ किया था। एक टॉपिक और मैं इसमें आपको बता देना चाहूँगा कि गौतम बुद्ध है उसने अपने जीवन काल में सबसे ज़्यादा अगर उपदेश दिए तो वो कौशल राज्य की राजधानी थी श्रावस्ती, श्रावस्ती के अंदर सबसे, क्योंकि वर्षा काल के अंदर गौतम बुद्ध वो कहीं जाते नहीं थे, एक ही स्थान पर रुक करके अपने उपदेश दिया करते थे, और सर्वाधिक वर्षा काल का समय कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में व्यतीत किया था। और जबकि जो मगध था, मगध इन बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध है इनके जो धर्म का प्रचार है उन प्रचार का केंद्र था। अब देखते हैं इनकी मृत्यु, तो 486 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की क्या हो जाती मृत्यु, और उस समय लगभग 80 वर्ष के ये होते हैं, कुशीनारा में, ये कुशी ऐसे नारा है, कुशीनारा के अंदर जो मलौकी गणराज्य राजधानी हुआ करती, दो मलौकी गणराज्य थे, एक की राजधानी पावापुरी थी जहाँ महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, और दूसरों की राजधानी थी कुशीनारा, और वहाँ किसकी मृत्यु होती है गौतम बुद्ध की, यहाँ पर क्या होती है मृत्यु होती है, जिसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर हिरण्यवती जो नदी होती है उस नदी के तट पर इनकी मृत्यु होती है। और यहाँ पर जो इनका एक जो आमंत्रित करता था जिसमें कुशीनारा का जो परिवार था सुबच, उनके यहाँ पर आए हुए थे, और उन्होंने इस गौतम बुद्ध को सूअर का मांस भोजन के रूप में प्रस्तुत किया था, उसको खाने के बाद इनमें पेट में जो उदर पीड़ा होने लगी और उसके बाद में इनकी क्या हो गई थी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर जो इन्होंने कहा जाता है कि जो अंतिम उपदेश है वो गौतम बुद्ध ने किसको दिया था, जो कुशीनारा का परिवारजक था सुबच, उसको अपना जो अंतिम उपदेश है वो गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया था। अब अविश्वास देख लेते हैं और विश्वास देख लेते हैं, तो जैन धर्म कर्मवाद और जैन धर्म की तरह बौद्ध धर्म भी कर्मवाद और पुनर्जन्मवाद में विश्वास करता, कभी आपको पूछे दोनों में समानता क्या, तो ये समानता है। अविश्वास किस में करता बौद्ध धर्म, तो आत्मवाद, यानी आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते बौद्ध, और इसके अलावा ईश्वर के भी अस्तित्व को बुद्ध नहीं मानते, यानी बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी और अनात्मवादी धर्म के नाम से जाना जाता है। अब कुछ देख लेते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, त्रिरत्न कौन से, बुद्ध हैं, धम्म और संघ, फिर चार आर्य सत्य कौन से, दुख दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अब इसका मीनिंग क्या है, मतलब दुख के होते हैं, दुख का समुदाय होता है, अब दुख होते हैं तो किस तरीके से एकत्रित होते हैं, फिर अगर दुख है तो दुख को क्या किया जा सकता है, उनको निवारण भी किया जा सकता है, दुख का क्या किया जा सकता है, निवारण किया जा सकता है, फिर दुख निवारण का मार्ग क्या, तो उन्होंने बताया मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, कौन सा मार्ग है अष्टांगिक मार्ग है, और अष्टांगिक मार्ग में कौन कौन से आते हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये बौद्ध धर्म में भी आया और जैन धर्म में भी आया सम्यक शब्द। इस सम्यक शब्द का अर्थ क्या होता है, सम्यक का वैसे हम अर्थ देखें तो पूरा होता है या सब कह सकते हैं या समस्त कह सकते हैं, लेकिन इसका एक अलग अर्थ होता है उचित, मतलब उचित या उपयुक्त कह सकते हैं। तो यहाँ उचित और उपयुक्त के अर्थ में यहाँ पर सम्यक शब्द का क्या किया गया है, प्रयास प्रयोग किया गया है। अब हम फिर से वहाँ पर आगे, थोड़ा इस प्रयास के अंदर थोड़ा वीडियो लंबा भी हो गया है, अब बुद्ध और ज्ञान की खोज देख लेते हैं। तो बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे जिनका बड़े जन समुदाय पर क्या था प्रभाव था, और बहुत बड़ा जन समुदाय उनके उपदेशों के कारण उनके उपदेशों को फॉलो करने लग गया था, यानी उनको मानने लग गया था। सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप का मतलब जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें, और उसके बाद में मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया, जापान और श्रीलंका के समुद्र पार कर जो दक्षिण पूर्वी एशिया है, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक क्या था बौद्ध धर्म का फैला हुआ। हम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में कैसे जानते हैं, इनकी पुनर्रचना का आधार था बौद्ध ग्रंथों का बहुत परिश्रम से क्या किया गया, संपादन किया गया। इसके लिए बौद्ध धर्म की चार संगीतियां भी आयोजित की गई और विभिन्न जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे उन्होंने भी इसे संपादन में महत्वपूर्ण कार्य किया था। और बहुत सारे हम देखते कि चीनी यात्री भी आए थे और भी खूब सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बौद्ध साहित्य उसका अन्य भाषाओं में अनुवाद किया, कईयों ने उसका विश्लेषण किया और विश्लेषण करके उसको नए सिरे से लिखने का कार्य किया। इतिहासकारों ने उनके जीवन के बारे में चरित्र लेखन से जानकारी इकट्ठी की और इनमें बौद्ध जो ग्रंथ है वो क्या है बुद्ध के जीवन काल से बनाए गए 100 वर्षों तो बाद में लिखे गए थे, यानी कितने वर्षों बाद 100 वर्षों बाद में लिखे गए थे। जैसे हमने देखा था अभी क्या देखा था कि गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है वो कब होती है, मृत्यु के अंदर हमने अभी आपको जस्ट बताया था, तो उनकी जो मृत्यु के कितने वर्ष बाद पूरा 100 वर्ष आप जोड़ लीजिए। जैसे उनकी मृत्यु कितने होती है 483 ईसा पूर्व में होती है,
तो 1483 ईसा पूर्व में ही जो पहली बौद्ध संगति है वो आयोजित की गई थी, जो लगभग इनकी मृत्यु के 3-1 माह के बाद थी। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर सुत पिटक और जो विनय पिटक नामक ग्रंथों की रचना की थी। लेकिन जो दूसरी संगति है, जो कितने जो इससे 100 वर्षों बाद यानी 383 ईसा पूर्व के अंदर आयोजित की जाती है वैशाली में, उसकी यहाँ पर बात की जा रही। लेकिन पिछले पार्ट में भी मैंने इसके बारे में आपको स्पष्ट किया था। इनमें इस महान धर्मोपदेश यानी गौतम बुद्ध की याद बनाए रखने की क्या की गई कोशिश की। इन परंपराओं के अनुसार सिद्धार्थ, जो बुद्ध के बचपन का नाम था, शाक्य कबीले के सरदार के छोटे बेटे थे। कौन थे शाक्य कबीले के सरदार, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जीवन के कटु यथार्थों से दूर उन्हें महल की चार दीवारी में सब सुखों के बीच में रखा गया, ताकि क्योंकि इनके जन्म के समय जो भविष्यवाणी की गई थी उसी कारण इनको रखा गया था। यहाँ पर थोड़ा सा पहले इसका देख लेते हैं, ये जो संत चरित्र क्या है, संत चरित्र क्या है, किसी संत या धार्मिक नेता की जीवनी है। संत चरित्र संत की उपलब्धियों का क्या करती है, गुणगान करती है, जो तथ्यात्मक रूप से पूरी तरीके से सही नहीं होते। जैसे किसी राजा की हम पढ़ते हैं हर्ष की हर्ष चरित्र, वो उसका बखान करती, वैसे संत चरित्र होती है वो उसकी उपलब्धियों का गुणगान करती है, जो तथ्यात्मक रूप से तो पूरी तरीके से सही नहीं होते। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें उस परंपरा के अनुयायियों के विश्वासों के बारे में जानकारी मिलती है। हमें सांस्कृतिक और धार्मिक जो परंपरा है, विश्वास है, उनके बारे में हमें समझने को बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं फिर आगे क्या था। एक दिन उन्होंने अपने रथकार को, जो रथ चलाने वाला था, उससे कहा था शहर घुमाने के लिए चलो। लेकिन रथकार को उन्हें शहर घुमाने के लिए क्या कर दिया था, मना लिया था। क्यों? क्योंकि राजा ने उसको मना कर रखा था, इसको संसार से कहीं बाहरी दुनिया के संपर्क में नहीं ले जाना, कहीं वो जो भविष्यवाणी वो सत्य नहीं हो जाए और ये सांसारिक जीवन को त्याग करके कहीं सन्यासी नहीं बन जाए। लेकिन उन्होंने एक दिन अपने जो रथकार यानी रथ चलाने वाले को इसके लिए मना लिया कि वो उसे शहर का क्या करवाएं, भ्रमण करवाएं। बाहरी दुनिया की उसकी पहली यात्रा काफ़ी पीड़ादायक थी, जिसके बारे में मैंने पूर्व विचार कर चुका। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार को, एक लाश को देखकर उन्हें गहरा सदमा पहुंचा, यानी उन्हें देखा कि यार ये इतनी सारी सांसारिक समस्याएं, उनसे इनका मन बड़ा व्यथित हो गया, मन को बड़ी चोट पहुंची। उसी क्षण उन्हें अनुभूति हुई कि मनुष्य के शरीर का क्षय होगा, यानी ये शरीर क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा और अंत निश्चित है। शरीर धीरे धीरे गल जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं बच्चा होता है, फिर शरीर विकसित होता है, युवा हो जाते हैं, प्रौढ़ होते हैं और उसके बाद धीरे धीरे शरीर का क्षय प्रारंभ होता है। और वृद्धावस्था आप देखते हो उस समय शरीर की हालत किस तरीके की हुआ जाती है और अंत में क्या आती है, मृत्यु हो जाती है। उन्होंने एक ग्रह त्याग किए सन्यासी को भी देखा, जो चौथा व्यक्ति था। यह हालांकि क्रम से नहीं दिया गया, मैंने पहले आपको क्रम से बताया था। सन्यासी को भी देखा और उसे मानो बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु, जो तीन दर्शी इनके प्रमुख थे, पहला इन्होंने बुढ़ापे से संबंधित देखा, दूसरा बीमारी वाला और तीसरा मृत्यु वाला, उनसे कोई परेशानी नहीं थी और उसने शांति प्राप्त कर ली थी। तो गौतम बुद्ध भी उस सन्यासी जैसी ही शांति की चाहत रखते थे। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे भी सन्यास का रास्ता अपनाएंगे और उस सन्यासी की तरह इस बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु की जो चिंताएं, उससे निर्मुक्त होकर के शांति का जीवन क्या करेंगे, व्यतीत करेंगे। और कुछ समय के बाद उन्होंने महल त्याग कर वे अपने सत्य की खोज में क्या कर गए, निकल गए थे। महावीर स्वामी तो अपने बड़े भाई की अनुमति लेकर गए थे, लेकिन इनको अनुमति नहीं दी गई थी। तो इनको जब अनुमति नहीं दी गई तो रात्रि में अपने बेटे और अपनी पत्नी को सोते हुए छोड़कर रात्रि में ये क्या कर गए, घर त्याग कर निकल गए, जिसका फोटो भी यहाँ पर आपके आया हुआ। ये इनकी गृह त्याग से ही संबंधित फोटो है, जो कहाँ का हम देख लेते हैं। ये अमरावती जो गुंटूर आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर लगभग 200 ईस्वी की एक मूर्ति है, जिसमें बुद्ध को महल से जाते हुए दिखाया गया है। अब यहाँ देखेंगे, सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया, मतलब किसी एक रास्ते को उन्होंने सीधा नहीं अपनाया, इसके लिए उन्होंने अलग अलग गुरु बनाए और हर गुरु के रास्ते को देखा और जो उनके अनुकूल नहीं हुआ था उन रास्तों को उन्होंने छोड़ते चले गए, उन गुरुओं को साथ उन्होंने छोड़ दिया। उनमें एक था शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना, जिसके चलते वे मरते मरते बचे थे, इसकी कहानी मैं पूर्व बता चुका हूँ। इन अतिवादी तरीकों को त्याग कर, वो भी मैंने किस तरीके से इन्होंने अतिवादी तरीका त्यागा था, उन्होंने कई दिन तक ध्यान करते हुए अनंत ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसके बाद से उन्हें बुद्ध अथवा ज्ञानी व्यक्ति कहा गया। बाकी जीवन उन्होंने धर्म और सम्यक जीवन यापन की क्या दी, शिक्षा दी थी। इन सब के बारे में पूर्व में डिस्कस कर चुका हूँ सारा, इसके जब मैंने बुद्ध के बारे में सारी बातें बताई थी। अब हम देखेंगे बुद्ध की शिक्षाएं। तो बुद्ध की शिक्षाओं को सुत पिटक में दी गई है।
कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित यानी फिर से उनको लिखा गया है। हालांकि कुछ कहानियों में उनकी अलौकिक शक्तियों का भी वर्णन है, जैसे कि उनके जैसे एक तो उनकी जो जातक कथा है उसमें भी ऐसी अलौकिक शक्तियों के बारे में बताया गया है। और कुछ कथाएँ दिखाती है कि उनके पास अलौकिक शक्तियाँ नहीं थी, कुछ तो कहती है मतलब वो असंभव काम जैसे कर सकते जो आम इंसान के बात नहीं होती, जबकि दूसरी कथाओं में दिखाया गया वैसी अलौकिक शक्तियाँ इनके पास नहीं थी, जैसे कुछ ब्राह्मण जो साधु वगैरह होते थे वो अपने पास होने का दावा किया करते थे। बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया, जिसका उदाहरण यहाँ दिया गया। जब एक मरे हुए बच्चे की शोक मगन यानी जो दुख से दुखी माँ थी, उस माँ बुद्ध के पास आई और उन्होंने बुद्ध से अपने बच्चे को जीवित करने के लिए कहा, तो बुद्ध ने उस बच्चे को जीवित नहीं करके उस महिला को समझाया कि मृत्यु तो यहाँ होगी, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होगी, वो तो अवश्यंभावी है, वो तो होगी ही होगी, और इस मृत्यु के बिना तो इस संसार के जो दुख कितने हैं वो दुख आते ही रहेंगे। वृद्ध अवस्था आप देखते हो, अगर मृत्यु नहीं होती तो वृद्ध अवस्था में कैसे होंगे, आपको महाभारत थोड़ी सी याद कर लेनी चाहिए। जब विष्णु पितामह शरशय्या पर छोए हुए थे तो उनकी पीड़ाएं कितनी थी, जब वो अच्छे मुहूर्त की प्रतीक्षा मृत्यु के लिए कर रहे थे, तो यहाँ पर इन्होंने ऐसा महिलाओं को समझाया कि जो आया उसकी अपनी उम्र लेकर आता है और वो मृत्यु को तो प्राप्त होता ही है, यानी इससे ये सिद्ध होता है कि उनके पास में कोई अलौकिक शक्तियाँ नहीं थी, जबकि कुछ में अलौकिक शक्तियाँ बताई गई है, जिसमें किसी वो क्रोधित जो हाथी होता है उसको क्या कर देते हैं, वो रोक लेते हैं, किसी में वो शेर को भी क्या बना लेते हैं, अहिंसक बना देते हैं, ऐसी खूब सारी उनके पास में अलौकिक शक्तियाँ भी बताई गई, मतलब दोनों तरीके से यहाँ दृष्टिकोण कहानियों में हमें प्राप्त होता है। ये कथा आम जनता की भाषा में रखी गई जिन्हें आसानी से समझा जा सकता, अधिकतर पाली में, बाकी आम जनता की जो भी भाषा थी उसमें इनको लिपिबद्ध किया गया था। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है। देखो अनित्य शब्द को यहाँ पर आपको समझना है, अनित्य का मतलब होता है नश्वर, यानी जो क्या होगा नष्ट होगा, या जिसे हम कह सकते अस्थिर है, यानी हमेशा के लिए ये नहीं रहने वाला और लगातार ये बदल रहा है, और ये आत्मा विहीन है, यानी बुद्ध आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है, सब नष्ट होने वाला है, कुछ भी यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहेगा, कुछ समय के लिए और फिर वो नष्ट हो जाएगा, इसलिए इस क्षण भंगुर दुनिया यानी कुछ समय की दुनिया में, जैसे आप अंगारा होता है, अंगारा जलते हुए आप देखते हो ना, जब अंगारे को चूल्हे से बाहर आप निकाल के रखो कुछ ही देर बाद वो क्या हो जाएगा, जो पूरा राख में तब्दील हो जाएगा, यानी वो अंगारा समाप्त हो जाएगा, वैसे ही इन्होंने कहा है कि ये दुनिया तो क्षण भंगुर है और दुख और मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। दुख क्या है, मनुष्य के जीवन के अंदर अंतर्निहित, मतलब ये तो दुख तो होता ही है। घोर तपस्या और विशेष शक्ति के बीच में मध्य मार्ग अपना कर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता। उन्होंने कहा था न तो घोर तपस्या करनी है, न ही विषय जो सांसारिक विषय हैं उन विषयों में अधिक आसक्ति रखनी है, उनमें अधिक डूबना नहीं है, बल्कि दोनों के बीच का रास्ता अपनाना, जिसे इन्होंने मध्यम मार्ग कहा है, और उसी के माध्यम से जो वो निर्वाण की बात कहते हैं वो निर्वाण प्राप्त हो सकता है। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या न होना अप्रासंगिक था, यानी बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी था, ये ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। अब हम देख लेते हैं स्रोत संख्या 5, जिसके अंदर हमें व्यवहार में बौद्ध धर्म कैसा था उसके नियम देख लेते हैं, जो सुतपिटक से लिया गया ये उदाहरण, जिसमें बुद्ध सिंगल नाम के एक अमीर गृहपति को सलाह दे रहे हैं कि मालिक को अपने नौकरों कर्मचारियों की 5 तरह से देखभाल करनी चाहिए। पहली क्या है, उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार काम, ऐसा नहीं कोई व्यक्ति की क्षमता तो है 20 किलो वजन उठाने की और उसको आप कह दो कि 50 किलो वजन उठा ले, तो नहीं, उसकी जैसे क्षमता यानी कैपेसिटी है वैसे ही उसे काम देना चाहिए, उसे अच्छा भोजन देना चाहिए और मजदूरी देनी चाहिए, उसे भोजन और मजदूरी देनी चाहिए। और ये गाँवों में भी आप देखा, जब कभी भी मजदूरी करने कोई भी व्यक्ति गाँवों के अंदर जाता किसी भी तरीके की मजदूरी, तो ग्रामीण लोग क्या करते हैं, उसे भोजन आदि देते हैं, मजदूरी भी देते हैं, और शहरों में ऐसा नहीं होता, शहरों में मजदूरी तो जरूर मिल जाती लेकिन भोजन नहीं मिलता। बीमार पड़ने पर उनकी परिचर्या करके, परिचर्या मतलब उसकी सेवा करके, सेवा शुश्रूषा करके, उनके साथ सुस्वादु भोजन, सुस्वादु का मतलब अच्छा भोजन, अच्छा भोजन बांटकर और समय समय पर उसे छुट्टी देकर, मतलब उसे भी क्या है, उसमें भी जीवन है, वो भी अपने जीवन में हर समय वो काम में नहीं बंधा रहे, कुछ समय के लिए वो भी रिलैक्स महसूस करे और इसके लिए वो थोड़ा सा अपना जीवन जिए, इसके लिए उसे समय समय पर छुट्टियां भी यानी अवकाश भी मिलना चाहिए, उसे काम से विश्राम भी मिलना चाहिए। अब उन्होंने आगे किसके लिए क्या, कुछ लोगों को 5 तरह से
श्रमणों, श्रमण जो किसके होते थे, बौद्ध और जैन भिक्षु होते थे, साधु साध्वी, उन्हें श्रमणों के नाम से जाना, जिन्हें सांसारिक जीवन को त्याग दिया उन्हें श्रमण के नाम से जाना जाता, और ब्राह्मण को जो ब्राह्मण धर्म वाले थे उनकी देखभाल करनी चाहिए, कर्म वचन और मन से अनुराग द्वारा उसके स्वागत में हमेशा करके, यानी उन्होंने क्या था, कर्म वचन और मन से उनके प्रति अनुराग रखना चाहिए, किसके प्रति, ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति, उनके स्वागत के लिए अपने घर के द्वार हमेशा खुले रखने चाहिए, हमेशा उनका घर में सत्कार करना चाहिए और उनकी दिन प्रतिदिन की जरूरतों की पूर्ति करनी चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, जो आध्यात्मिक कार्य जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति है उसको पूर्ण कर सके, यानी उनको भिक्षा दें उनके जो, ताकि उनकी जो शारीरिक है, जो जीवित जीवन जीने के लिए उनकी शारीरिक जो पुष्टि है वो पुष्टि होती रहे। सिंगल को माता पिता, शिक्षक, पत्नी के साथ व्यवहार के लिए भी ऐसे ही उपदेश दिए। सिंगल को किसने, महात्मा बुद्ध ने, जो हम ऊपर देखते हैं वैसे ही उपदेश देने का दिए थे, जिसमें जो माता पिता उनके बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य होते थे, बच्चों के अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य होते थे, गुरु और शिष्य के आपस में क्या कर्तव्य होते थे, पति और पत्नी के आपसी क्या कर्तव्य होते थे, इन सारे कर्तव्यों को भी उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। आगे हम देखते हैं यहां से कि बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया, इन व्यक्तियों ने किया, न कि ईश्वर ने, वो ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार ही नहीं करते, इसलिए उन्होंने राजाओं और गृहपतियों से, जो अध्याय संख्या 2 के अंदर हमने देखा था गृहपतियों के बारे में, को दयावान और आचारवान होने की क्या की थी, सलाह दी थी। ऐसा माना जाता है कि व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को क्या होता, बदला जा सकता है, और उसी सामाजिक परिवेश को बदलने के लिए ही महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध के जितने भी उपदेश हैं वो सामाजिक परिवेश के लिए ही थे, इसको बदलने के लिए, इसको अनुकूल बनाने करके, यही स्वर्ग की उन्होंने क्या की थी, जो सृष्टि करने का कार्य किया था, क्योंकि इनका जो निर्माण क्या, दीपक का बुझ जाना, तो वो उसके बाद जीवन के बाद तो कोई आगे शेष ही नहीं था। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप, यानी खुद ही व्यक्ति अपना क्या करे इसके लिए प्रयास करें, और सम्यक कर्म, जो मैंने कहा था उचित, या कह सकते उपयुक्त कर्म करें उसकी कल्पना की, जो व्यक्ति खुद करें, और निर्वाण का यह मतलब है अहम और इच्छा का खत्म हो जाना, जिससे गृह त्याग करने वाले के दुख के चक्र का क्या हो सकता है, अंत हो सकता है, और इसी कारण बौद्ध धर्म में भिक्षु और भिक्षुणियों की जो परंपरा है वो चल पड़ी थी। बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए उसका अंतिम निर्देश था, क्या निर्देश था, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रचना ढूंढना, इसके लिए आप दूसरों की तरफ मत ताको, यानी किसी गुरु शिष्य परंपरा की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। इसके लिए गौतम बुद्ध ने आत्म दीपो भव का उपदेश दिया, यानी खुद ही क्या करो, अपने जो पथ प्रदर्शक बनो, अपना जो अपना रास्ता खुद ही क्या करो, ढूंढो और उसे प्राप्त करो, अपने रास्ते की ज्योति यानी उसको खुद ही बनो। अब यहाँ पर हम देखेंगे गौतम बुद्ध के अनुयायी किस टाइप से, हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है लेकिन चलो अगला पार्ट छोटा होगा, तो यहाँ पर देखेंगे बुद्ध के अनुयायी। तो बुद्ध के अनुयायी कौन कौन थे, तो धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों का एक ऐसा दल तैयार हो गया, इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना की। मैंने आपको कहा सारनाथ में ही सबसे पहले बौद्ध संघ जो प्रवेश है वहीं से प्रारंभ हो गए। ऐसे भिक्षुओं की एक संस्था थी जो धम्म के क्या बन गए, शिक्षक बन गए। ये श्रमण सदाई सादा जीवन व्यतीत करते थे, इस सादे जीवन का हम आगे वर्णन देखेंगे। उनके पास जीवन यापन के लिए अत्यावश्यक चीजों, यानी जो जरूरी चीजें होती थी, जो जीवन जीने के लिए यानी जिंदा रहने के लिए जरूरी होती थी, वही चीजें होती थी, उसके अलावा कुछ नहीं होता था, इसको भी हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि दिन में एक बार उपासक यानी जो ग्रस्त जीवन वाले लोग से भोजन प्राप्त करने के लिए वे एक कटोरा रखते थे, यानी ऐसा नहीं कि दो चार कटोरे रख दें और उससे भोजन ले आए, और एक कटोरे में उतना ही भोजन होता था जो एक समय के लिए होता था। चूंकि वे दान पर निर्भर थे इसलिए उन्हें भिक्षु कहा जाता, ये कहा जाता भिक्षु क्या, यानी वो भीख पर निर्भर थे, दान यानी वो क्या लेते थे, भिक्षा लेते थे, और इसी कारण इन्हें भिक्षु कहा गया। शुरू में सिर्फ पुरुषों को ही संघ में सम्मिलित किया जाता, बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली। किस लिए, सबसे ज्यादा जो महिलाओं की अनुमति इसको देने का, जो इसकी विमाता थी या इसकी मौसी कह सकते हैं, जो प्रजापति गौतमी थी, उसके द्वारा बार बार प्रार्थना करने के कारण क्या किया, महिलाओं को जो है बौद्ध धर्म के अंदर प्रवेश की अनुमति दी गई थी।
बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं को संघ में आने में अनुमति दी और बुद्ध की उपमाता प्रजामती गोत भी संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी बनी। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। इसके बाद कई स्त्रियां जो संघ में आई वे धमकी उपदेशिकाएं बन गई और आगे चलकर थेरी बनी, जिसका मतलब होता है ऐसी महिला जिन्होंने क्या कर लिया हो, निर्वाण को प्राप्त कर लिया हो। ऐसी एक थेरी गाथा हम आगे पढ़ने वाले हैं। बुद्ध की अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आए थे, ऐसा नहीं कि केवल राजा लोग थे या उच्च वर्ग के थे, क्योंकि बौद्ध धर्म का ही लक्ष्य था कि कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई ऊंच नहीं। जो बौद्ध धर्म में आ जाएगा, जो बुद्ध धर्म का अनुयायी हो जाएगा या बौद्ध धर्म का अनुयायी हो जाएगा, वो सभी क्या माने जाएंगे, समान माने जाएंगे। उनमें ऊंच नीच नहीं होगी, उनमें वर्ण व्यवस्था जैसा विभाजन नहीं होगा। यह राजा, धनवान, गृहपति और सामान्य जन, कर्मकार, दास, शिल्पी आदि सभी कोई भी बौद्ध संघ के अंदर प्रवेश ले सकता था। एक बार संघ में आ जाने पर सभी को बराबर यानी उसके साथ कोई भेदभाव, कोई अस्पृश्यता नहीं की जाती थी, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुनी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान त्याग। जैसे एक राजा आ गया तो वो राजा नहीं, एक भिक्षु होगा। अगर कोई सामान्य शूद्र व्यक्ति था, वो भी आया, बिल्कुल गरीब था, तो भी यह भिक्षु। अब वो राजा जो भिक्षु बनाए और एक शूद्र जो भिक्षु बनाए, दोनों की स्थिति बराबर होगी। दोनों में से कोई भी किसी के साथ में ऊंच नीच का व्यवहार नहीं किया जाएगा, नहीं उनको ऊंच नीच जैसी कोई पदवी प्रदान की जाएगी। संघ के संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी। इसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से एक मत होने की क्या करते थे, कोशिश, यानी सर्वसम्मति से वो निर्णय लेने की कोशिश करते थे। जहाँ तक होता था वो सर्वसम्मति से निर्णय लेते थे। अगर सर्वसम्मति नहीं बनती थी तो फिर क्या होता था, तब मतदान के द्वारा निर्णय लिया जाता था। यानी जो बौद्ध उपदेशक होते थे वो वोट देते थे, मतदान करते थे, अपना मत रखते थे और बहुमत के द्वारा निर्णय ले लिया जाता था। तो ये बातें थी। अगली हम बात देखेंगे स्रोत संख्या जो 6 है उसके बारे में, जो थेरी गाथा का है। और इससे पहले इस फोटो को आप यहाँ पर देख लीजिए, जो महिला पानी लेकर के जा रही है और इसी की यहाँ पर यह कहानी दी गई है जो मथुरा से हमें प्राप्त हुई। इसको मैं थोड़ा झूम कर लेता हूँ अब। यानी थेरी गाथा, जिसका अर्थ हमने ऊपर समझ लिया था, यह अनूठा बौद्ध ग्रंथ सूतक का हिस्सा, सूतपीटक नामक जो बौद्ध त्रिपीटक है उसका क्या हिस्सा है। इसमें भिक्षुनियों के द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया। इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है, जैसा मैंने अध्याय के प्रारंभ में बताया और इसको हम पढ़ते पढ़ते ही आप समझ जाओगे। पुन्ना नामक एक दासी अपने मालिक के घर के लिए प्रतिदिन सुबह नदी में पानी लाने जाती है और वहाँ हर दिन वह एक ब्राह्मण को स्नान क्रम करते हुए देखती है। यानी वहाँ रोज सुबह सुबह ठंड में वो स्नान करने आता है। एक दिन उसने ब्राह्मण से बात की और निम्नलिखित पद की रचना पुन्ना ने की, जिसमें ब्राह्मण से उसकी बातचीत का वर्णन क्या करती है कि मैं जल ले जाने वाली हूँ, कितनी भी ठंड हो मुझे पानी में उतरना ही है, सजा के डर से या ऊंचे घरानों की महिलाओं के कटु वचन के डर से। हे ब्राह्मण, तुम्हें किसका डर है जिससे तुम जल में उतरते हो जबकि तुम्हारे अंग ठंड से कांप रहे हैं। वो कहती है कि मैं तो एक दासी हूँ, इतनी ठंड में मेरी इच्छा नहीं है पानी लेने के लिए, आने के लिए ऐसे ठंडे पानी में उतरने के लिए, लेकिन मैं एक दासी हूँ, मेरे मालिक का मुझे डर है कि वो मुझे, मैं अगर पानी समय पर नहीं लेकर जाऊंगी तो वो मुझे सजा देंगे, मुझे परेशान करेंगे, ये ऊंचे घरानों की जो महिलाएं हैं मुझे कटु वचन कहेंगी, मुझे गालियां देगी वो, इसका मुझे डर है। लेकिन ये ब्राह्मण, तुझे किसका डर है, तुम किसके डर से सुबह सुबह ऐसे ठंडे पानी में उतर रहे हो जबकि तुम्हारा इस ठंडे पानी से तुम्हारा शरीर तो क्या रहा, ठंड से कांप रहा है। अब आगे ब्राह्मण क्या जवाब देता है इससे आप बहुत समझ लीजिए। ब्राह्मण कहता है, मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छाई कर रहा हूँ, बुढ़ा या बच्चा जिसने भी कुछ बुरा किया हो जल स्नान करके मुक्त हो जाता है। ये ब्राह्मणीय परंपरा, जैसे आज भी मानते हैं कि हम किसी भी जगह चले जाते स्नान करते हैं, है ना, जैसे अभी कार्तिक पूर्णिमा वगैरह हर मौसम में क्या करते हैं, कहीं ना किसी किसी तालाब कुंड या जैसे गंगा शिप्रा जैसी नदियों के अंदर क्या करते हैं, स्नान करके अपना मुक्त होने का मानते हैं। तो वैसा ही वो ब्राह्मण कहता, मैं ऐसे मुक्त हो जाऊँगा और मैं अच्छाई का काम कर रहा हूँ। तो पुनः बहुत अच्छा जवाब देती है और इस जवाब से इस कहानी का निचोड़ भी आपको पता चल जाएगा। उसने क्या क्या, पानी में नहाने से बुराई से मुक्ति मिलती है क्या, वैसा हो तो मेढक और कछुए स्वर्ग जाएंगे। क्या होता है मेढक और कछुए, जैसे आप देखते हो अपने, जैसे हिंदू धर्म में देखें या ब्राह्मण धर्म के अनुसार देखें तो जो व्यक्ति मरता है उसकी अस्थियां यानी उसके फूल वगैरह लेकर गंगा में जाते हैं प्रवाहित करवाने के लिए। तो आप जानते हो कि अगर उससे वो क्या होता है, अगर वो स्वर्ग चले जाए तो कितने जीव जंतु वहां पर रहते हैं, उस गंगा नदी में कितने सारे जीव जंतु हैं, उसके आस पड़ोस में उत्तर प्रदेश में आप देखते हो कितनी सारी जनसंख्या, वो सारे ही सारे पार हो जाए।
तो ऐसा नहीं है। और इस मर्म को समझाने के लिए जो ब्राह्मणीय परंपरा में ये जो मिथक था, इस मिथक को समझाने के लिए ये थेरी गाथा का ये स्रोत दिया गया है। और वास्तव ये हकीकत को आप समझिए, जो सिर्फ बाहरी आडंबर और ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई एक व्यवस्था है। हालांकि मैं सिर्फ एक कुरीति पर ही बात कर रहा हूँ, जो गलत चीज़ है। एक शिक्षक होने के नाते अगर आप ब्राह्मण वर्ग से संबंधित है तो भी आप विद्यार्थी बनकर इसको सुने, अन्यथा हमें इसको नहीं लेना है। और ऐसे ही हम द्वारिका जाते हैं तो वही बात है। और आप जानते हो कि वहाँ पर द्वारिका और चाहे गंगा पर, जो यहाँ पर इनके अलग से जो विभिन्न धर्म के गाइड बन जाते हैं और वो उस जो आने वाले व्यक्तियों से किस तरीके की अपने मनमानी तरीके से वसूली किया करते, तो हालांकि उस समय तो नहीं थी, लेकिन इस व्यवस्था पर बड़ा ही अच्छा कटाक्ष किया गया। साथ ही पानी में सांप और मगरमच्छ भी रहते हैं, इनके बदले में वे कर्म न करें जिनका डर आपको पानी की ओर खींचता है। मतलब इसमें सांप और मगरमच्छ रहते, क्या वो पवित्र बन जाते हैं? क्या वो उनके बुरे कर्मों को छोड़ देते, जैसे लोगों को डंक मारना, मगरमच्छ भी दूसरे जीवों को खाना, क्या वो उसको छोड़ देते? क्या ये भी जंगल छिड़े जाते, जैसे आप कहते हो कि मैं पानी में नहाने से मैं क्या करता हूँ, बुराइयों को छोड़ रहा हूँ और अच्छाइयों का ग्रहण कर रहा हूँ। तो ये सांप और मगरमच्छ भी बुराइयाँ छोड़ देते और अच्छाइयाँ क्या कर लेते, ग्रहण कर लेते। ये बात समझने का आप प्रयास कीजिए। आपको पानी की ओर खींचना, जिसका डर है आपको पानी की ओर खींचना, हे ब्राह्मण, यानी पानी का भी तो आपको डर है इसके अंदर जाने का, हे ब्राह्मण अब तो रुक जाओ और अपने शरीर को ठंड से बचाओ। मतलब कहने का प्रयास वो ये कह रही थी कि आप ऐसे जो झूठे आडंबरों में नहीं आओ और इनसे अपने शरीर को उतना कष्ट मत दो, और जो बुद्ध वाला मध्यम मार्ग है उसी मार्ग को अपनाते हुए अपने जीवन का यापन करो, यानी सही जो सामाजिक और आध्यात्मिक व्यवस्था है उसके अंदर अपना जीवन जीते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करो, ये समझाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। आगे इसका अंतिम जो स्रोत हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद आज का जो हमारा चैप्टर है वो यहीं खत्म करेंगे। स्रोत संख्या 7 में जो भिक्षु और भिक्षुनियों के लिए जो नियम है, उन नियमों का वर्णन किया गया। ये नियम हमें विनय पिटक में मिलते। जब कोई भिक्षु एक नया कंबल या गलीचा बनाएगा तो उसे उसका प्रयोग कम से कम 6 वर्षों के लिए करना पड़ेगा। यदि 6 वर्ष से कम अवधि में, यानी समय में, वो बिना भिक्षुओं की अनुमति के एक नया कंबल या गलीचा बनवाता है, तो चाहे उसने अपने पुराने कंबल या गलीचे को छोड़ दिया हो या नहीं, नया कंबल या गलीचा उसने ले लिया जाएगा। इसके लिए उसे अपराध स्वीकार करना पड़ेगा। इन सब को पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं समझाता हूँ आपको। यदि कोई भिक्षु किसी गृहस्थ के घर जाता है और उसे टिकिया या पक्के अनाज का भोजन दिया जाता है, यदि उसे इच्छा हो तो वह 2 से 3 कटोरा भर स्वीकार कर ले, मतलब जो उसके एक दिन के लिए चल जाए। यदि इससे ज़्यादा वो स्वीकार करता है तो उसे अपना अपराध स्वीकार करना होगा। 2 या 3 कटोरे पकवान स्वीकार करने के बाद उसे इसे अन्य भिक्षुओं के साथ में भी बांटना है, और यही सम्यक आचरण है। सम्यक का मतलब हम समझ गए, उपयुक्त या उचित आचरण है। अगला जो नियम क्या है, यदि कोई भिक्षु संघ के किसी विहार में, जो उनका निवास स्थान होता है, ठहरा हुआ और प्रस्थान यानी वहाँ से जा रहा हो, तो इससे पहले वो अपने द्वारा बिछाए गए या बिछवाए गए बिस्तर को ही नहीं समेटता और न ही समेटवाता, या तो खुद उसको समेटे या दूसरों से समेटवाए, लेकिन ऐसा वो दोनों में से एक भी नहीं करता। और यदि वो बिना विदय यानी बिना बताए वहाँ से चला जाता है तो वो अपराध स्वीकार करना होगा। उससे अपना क्या होता, अपराध स्वीकार करना होता है। और इनका एक पर्व भी आता है जब उसमें भिक्षु क्या करते हैं, अपना अपराध स्वीकार करते हैं, और उससे कहते हैं वो अपराध स्वीकार करके उन्हें माफ़ी दी मिलती है। ऐसा ही जैन धर्म के अंदर भी है, तो ये दोनों ही धर्मों के अंदर है। तो इससे आप क्या समझे, इससे ये समझे कि बौद्ध धर्म के अंदर जो आचरण के नियम थे उन्हें बौद्ध भिक्षु को मानना पड़ता था, ताकि जो उसका वास्तविक लक्ष्य है वो फिर सांसारिक बंधनों से नहीं बन जाए, उसके अंदर जो कर्मों के बंधन है फिर से नहीं आए। इसलिए यहाँ गलीचे का और भोजन का और यहाँ पर जो है जो आचरण का व्यवहार है उसका अनुसरण करने को कहा गया है, ताकि वो अपने जो पथ हैं उस पथ से भटके नहीं और अपना जो निर्वाण का लक्ष्य है उसे प्राप्त कर जाए। तो इसी तरीके के तो आचरण होने भी चाहिए। जैसे आज संसार के अंदर कोई नियम नहीं हो तो बिना नियम से तो फिर क्या होता है, जंगल राज होता है। और जहाँ पर आप देखते हो समुद्र के अंदर क्या होता है, हर बड़ी मछली छोटी मछली को क्या करती है, खा जाती। तो वैसे ही भक्ति के अंदर भी होता है। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कहा कि जो हमने 5 आर्य सत्य जो जैनों के अंदर देखे थे,
वही बोध के अंदर भी हमें देखने को मिलते हैं कि सबके अंदर जो एक ही तरीके का चरित्र होना चाहिए, वो जो निश्चित समय तक अपने जो कंबल वस्त्र आदि का क्या करें, प्रयोग करें और उसका लोभ नहीं करें, अपरिग्रह नहीं करें कि वो जल्दी जल्दी दूसरा नया कंबल लेता जाए, उसका पूरा सदुपयोग भी करें ताकि सबके लिए जो आवश्यक अनुसार व्यवस्थाएं भी बनी रहे, और भोजन के बारे में भी वो ऐसा ही करें कि जब उसके जबान या जो स्वाद है उसकी ललचा नहीं आए। बुद्ध के जीवन काल में और उसकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। इसका कारण था कि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे। समकालीन कौन सी? जो ब्राह्मणीय परंपराओं थी, जिसमें यज्ञ आदि आधारित कर्मकांड, जैसा मैंने ऊपर वाले थेरी गाथा वाले पॉइंट में बताया, और वर्तमान समय में देखते हैं कि वो ऐसी आज भी वर्तमान में ऐसी परंपराओं से काफ़ी सारे लोग असंतुष्ट, इसी कारण अन्य धर्म भी बने, उस धर्मों की ओर भी लोग जा रहे हैं या अन्य पंथों की ओर भी लोग जा रहे हैं, और उस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलावों ने उन्हें उलझनों में बांध रखा था। और बौद्ध शिक्षाओं में जन्म के आधार पर जो श्रेष्ठता की बजाय जीवन, जिस तरह अच्छे आचरण और मूल्यों का महत्व दिया जाता था, उससे महिलाएं और पुरुष इस धर्म की ओर आकर्षित हो। सबसे बड़ा और वो वर्ग जिस वर्ग को ब्राह्मणीय व्यवस्था में सदियों से दबाया गया, जिसमें ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ बताया गया, फिर क्षत्रियों को स्थान दिया गया, शूद्रों की स्थिति तो निम्नतम मानी गई, और बाकी वर्गों जातियों में बांटकर किस तरीके से उसका शोषण किया गया, वैसी अवस्था बौद्ध धर्म में नहीं होने के कारण लोगों को बौद्ध धर्म ने अपनी ओर आकर्षित किया। जबकि जैन धर्म क्या था, महिलाओं के तो कोई बात ही नहीं करता था कि महिलाओं को तो मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकता था, और जैन धर्म के अंदर जो पूजा पद्धति बड़ी कष्टकारी थी, काया क्लेश वाली थी, और इस कारण जैन धर्म की तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित नहीं हुए। जबकि बौद्ध धर्म में जो मध्यम मार्ग होने के कारण लोग इसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हुए थे, और कमजोर लोगों की तरफ मित्रता और करुणा का भाव भी इनके महत्व देने का आदर्श बन गया, जो काफ़ी लोगों को भाया यानी लोगों को अच्छा लगा, इसी कारण लोग इसकी तरफ क्या हो गए थे, जुड़ गए। तो आज के चैप्टर में इतना ही। ये स्तूप वाला जो चैप्टर है, अगले पार्ट के अंदर हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। एक बार फिर से कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक नए टॉपिक के साथ।